सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम छठी कक्षा में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 दिए न्यूनकों CAB को 1:2 के अनुपात में विभक्त करो। तो इससे पहले हमने एक कोण हमें दिया था CAB, उसके हमने 3 बराबर भाग किए थे। सेम वैसे ही ये भी है, पर इसमें अनुपात है तो हमने 2 भाग हमारे एक साइड रहेंगे, एक भाग एक साइड रहेगा, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं। तो हमने एक एंगल लेना है। सबसे पहले यहाँ से हम एक कोण ले लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, न्यून कोण है। तो इस तरह से हम एक न्यून कोण हम ऐसे ले लेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं CAB। इस तरह से हम ले लेंगे। और अब क्या करना, हमने इस कोण पे हमने चाप लगानी है। यहाँ से हम एक चाप लगा लेते हैं इस तरह से, यह हमारी चाप लग गई है। इस चाप का हम नाम दे देते हैं L और P। और अब हमने क्या करना है, L और P को हमने आपस में मिला देना है यहाँ से डॉटेड इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, P पॉइंट से हमने एक न्यून कोण बनाना है ऊपर को, यहाँ से इस रेखा पे जो ये रेखा है ना आपकी LP, इस पे हमने इधर को एक, इधर को हम एक कोण बना देंगे ऊपर को इस तरह से। और हमने इस रेखा पे जो है वो बराबर 3 निशान लगा देने हैं। हम इस पे 3 निशान लगा देंगे बराबर, जैसे ये मैंने लगाया 1 यहाँ पे, 2 और ये हम लगा देंगे यहाँ पे 3। और हम इसमें नाम लिख लेते हैं 1, 2, 3। और इस रेखा का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे N। अब हमने क्या करना है, जो आपका 3 पॉइंट है इसको हमने L के साथ यहाँ पे डॉटेड मिला देना है इस तरह से, ऐसे हम इसको मिला देंगे। इसी के समानांतर हमने रेखा खींचनी है 2 से इस तरह से। और जो आपका ये चाप लगी हुई है, ये हम जो लाइन लगाएंगे वो सिर्फ चाप तक लगाएंगे, नीचे लाइन तक नहीं लगाएंगे। यहाँ से 1, ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से, मतलब ये जो लाइन है हम यहाँ तक नहीं लाएंगे, यहीं तक लाएंगे इनको इस तरह से। और अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि 2:1:2, तो 1 हमारा ये है, नीचे है 1, तो हमने A को जो है वो 1 के साथ, मीन्स यहाँ पे ये यहाँ कट रहा है ना, ये चाप के साथ यहाँ पे हमने 1 को यहाँ से ऐसे डाल के मिला देना है। और इस रेखा को हम नाम दे देते हैं यहाँ से D। तो ये आपके 2:1 हो गए और ये आपका 1:1 आ गया। ये प्रश्न नंबर आपका है 34, ये बन के तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35, 2 असमानांतर रेखाएं AB और CD को इनके बिना बढ़ाए अंतर्गत कोण प्रतीत करो और विभक्त करो। तो 2 रेखाएं दी हुई हैं हमारे को, AB और CD। तो सबसे पहले हमने 2 रेखा ले लेनी है, हम यहाँ पे 2 रेखा ले लेते हैं। ये हमारी रेखा है AB, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे A और B। और एक रेखा हमारे को दी हुई है असमानांतर रेखा है C और D। तो हम यहाँ से इस तरह से C और D रेखा ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इन 2 रेखाओं को बिना बढ़ाए, इनको आगे नहीं बढ़ाना है, फिर भी इनके बीच का जो कोण आ रहा है ना वो हमने प्रतीत करना है। पहले हमने वो निकालना है, फिर उसका विभाग करना है, उसको 2 समान भागों में बांटना है। हम AB रेखा पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं H, इसका नाम हम दे देते हैं P। और हमने क्या करना है, इस पे ऊपर 90 डिग्री के कोण बना देने हैं दोनों पॉइंट पे इस तरह से। आप देख सकते हैं 90 डिग्री कोण आपको बनाने आता है, क्योंकि ये आपको मैंने पहले सिखा रखा है इस तरह से।
देखिए इस तरह से हमने दोनों बिंदु पर नंबर डिग्री कोण बना दिए है। तो हमने क्या करना है, यहां से एक रेखा लगानी है हमने पी पॉइंट से। ये नंबर डिग्री वाली लाइन है, ये हम डॉटेड लगाएंगे यहां पर इस तरह से। और यहां पे भी हमने एक रेखा लगानी है, इस तरह से हम ये रेखा लगा देंगे। और हमने क्या करना है, जो हमारे पास P और H है, इतनी समान दूरी से हमने चापे लगानी है। यहां से हमने P और H जितनी प्रकार खोल देनी है, इस तरह से हम ये P और H जितनी प्रकार खोल रहे हैं, यहां से इस तरह देख सकते हैं आप, इस तरह से। तो हमने ऊपर यहां पे जो है वो इन कोणों पे ऐसे चापे लगा देनी है ऐसे। और हमने ये जो आपकी लाइनें हैं इनको हम आगे बढ़ा देते हैं यहां से इस तरह से। तो हमने क्या करना है, यहां पे हमने जब इनको आपस में मिला देंगे ऊपर से डॉटेड, इस तरह से। और हम इसका नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं L और M। आप चाहो तो यहां भी नाम दे सकते हैं। ये जो कोण आ रहा है ये है N आपका है, ये आपका S कोण है, इस तरह से आप इसमें नाम दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा कोण आ गया, जो हमने इसके इनके बीच का कोण निकालना था वो हमने इस तरह से निकाल दिया। अब इसके हमने दो समान भाग भी करने हैं। अब हमने क्या करना है, इसके दो समान भाग करने हैं। तो जहां पे ये रेखा यहां पर उसमें मिल रही है, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ई। तो आपने क्या करना है, ई पॉइंट पर प्रकार रखनी है यहां से, और यहां से हमने चाप लगानी है इस तरह से। ये हम चाप लगा देंगे इस तरह से। इस चाप का हम नाम दे देते हैं आर और एफ। यहां हम नाम देते हैं आर, यहां हम नाम दे देंगे एफ। अब आपने बच्चों क्या करना है, आर पर प्रकार रखनी है और आगे को ऐसे चाप लगा देनी है इस तरह से। फिर आपने एफ पॉइंट पर प्रकार रखनी है और इस चाप को हमने यहां से ऐसे काट देना है। अब देख सकते हैं इस तरह से, जहां पे ये चापे आपस में कट रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ। अब आपने क्या करना है, ओ को ई के साथ मिला देना है इस तरह से ये। और ये जो आपकी रेखा आ रही है, ये आपकी आ रही है दो असमांतर रेखाओं के बीच के बने कोण को विभक्त करती हुई ये रेखा है। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे के। ये आपका प्रश्न नंबर है 35। ये आपका बनके तैयार हो।